सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल डेडिकेटेड टू साइंस, ताकि आपको साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन के वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन में हेल्प हो सके। बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको करवाया था ग्रिफ्थ एंड वेयर एक्सपेरिमेंट प्रूविंग द डीएनए एज जेनेटिक मटीरियल। तो ज़्यादा फेमस जो हुआ था जो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट है, एल्फर्ड डी हर्शी एंड मार्था चेज दो थे इकट्ठे। इन्होंने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया था, वायरस डैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया डैट इज़ द बैक्टीरियोफाज लिए। बैक्टीरियोफाज गेट अटैच ऑन द सर्फेस ऑफ बैक्टीरियम एंड इंसर्ट द जेनेटिक मटीरियल इनटू बैक्टीरिया। तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो बैक्टीरियोफाज वायरस हैं वो बैक्टीरिया की सर्फेस पे जाके अपना डीएनए उसमें इंजेक्ट कर लेते हैं। टू साइंटिस्ट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विद द बैक्टीरिया इकोलाई एंड बैक्टीरियोफाज T2। उन्होंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था। जो बैक्टीरियो T2 है, डीएनए कोर एंड प्रोटीन है इसमें। बिन कम इन कंटेक्ट विद द लिविंग बैक्टीरिया, जो डीएनए है इसका इंटर कर जाता है बट प्रोटीन इंटर नहीं करती। हर्शी एंड चेज वांट टू कन्फर्म इट। फिर उसने किया डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिए डीएनए लेबल प्रोटीन। फर्स्टली जो T2 इक्वलाई प्रेजेंट द रेडियो एक्टिव सल्फर बिकॉज द प्रोटीन डू नॉट हैव द सल्फर। द प्रोटीन्स में है बट डीएनए में सल्फर नहीं है। सो कंटेन द सल्फर रेडियो एक्टिव एटम वर इनकॉपरेटेड इन टू प्रोटीन कोट ऑफ T2 ओनली। तो दीज बैक्टीरियो वर यूज टू इन्फेक्ट द नॉर्मल बैक्टीरिया। द प्रोटीन कोट वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल बाल बाय शेकिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। द प्रोटीन कोट ब्रिंग लाइटर स्टे इन द सुपरनेट एंड द इन्फेक्टेड बैक्टीरिया सेटल डाउन इन द कल्चर। इट वॉज फाउंड डैट इंटायर रेडियो एक्टिव आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन द सुपरनेट एंड ऑलमोस्ट नन ऑफ बैक्टीरिया सेल। सो वायरस में सल्फर लिया, रेडियो एक्टिव उस वायरस में रहा बट बैक्टीरिया में नहीं गया। इससे ये पता चलता है प्रोटीन का कोई इसमें रोल नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, डीएनए लिया और उसको फास्फोरस जो था रेडियो एक्टिव लिया और बाद में रिपोर्ट किया वो रेडियो एक्टिव डीएनए बैक्टीरिया में गया। सो डीएनए एक जेनेटिक मटीरियल है ऑफ T2 फेज। देर वॉज अनदर रेदर मोर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग दैट द बैक्टीरिया विच हैड द बैक्टीरियोफाज डीएनए इन देम बट वर क्लियर्ड ऑफ द बैक्टीरियोफाज प्रोटीन कोट फ्रॉम द सर्फेस प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ नॉर्मल बैक्टीरियोफाज इन देम। सिंस द डीएनए ऑफ द इन्फेक्टिंग बैक्टीरियोफाज हैज़ गिवन राइज टू द फ्रेश क्रॉप ऑफ बैक्टीरियोफाज, इट इज़ क्लियर दैट द डीएनए फंक्शन एज द हेरिडेटरी मटीरियल। तो इससे हमें ये पता चलता है। तो हम देखते हैं इसको इस बुक से क्या है एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटेशन। ये T2 बैक्टीरियोफाज है लग रहा है इकोलाई के ऊपर और इसको उसने रेडियो एक्टिव सल्फर 35 ली और फिर उसने 32 जो फास्फोरस लिया बैक्टीरियोफाज को फास्फोरस में कल्चर किया फिर सल्फर में। तो बैक्टीरिया में द रेडियो एक्टिव सल्फर बैक्टीरियोफाज मल्टीप्लाइंग इन द रेडियो एक्टिव सल्फर मीडिया। फिर बैक्टीरियोफाज रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड अंदर जाया, रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया इंटर द नॉर्मल बैक्टीरिया विदाउट रेडियो एक्टिव डीएनए और उसमें सिर्फ प्रोटीन गया कि प्रोटीन था। रेडियो एक्टिविटी सल्फर प्रोटीन में होता है, डीएनए में नहीं होता। और जब इंटर करता है बैक्टीरियोफाज तो सिर्फ उसमें डीएनए जाता है, प्रोटीन नहीं जाता। इससे पता चला कि प्रोटीन का इसमें रोल नहीं है। फिर उसने क्या किया, फास्फोरस लिया रेडियो एक्टिव, फिर उसने सेम किया और बाद में देखा बैक्टीरिया में डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव था, क्योंकि डीएनए ही आगे जा रहा है और फास्फोरस कंपोनेंट किसका होता है, डीएनए का शुगर फास्फेट बैकबोन होती है। और ये क्लियरली एविडेंट करता है कि जो जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफॉर्म होता है एक जनरेशन से दूसरी में, जहाँ म्यूटेशन होती है जो वेरिएशन होती है, ओनली बाय द डीएनए दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। फ्रेंड्स बताना मुझे कैसे लगे जो आपको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस और जो पेपर में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लेना। गुड लक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।